2020 चुनाव परिणाम के बाद ऐसा पहला अवसर आया है पिछले 16-17 सालों में जब नीतीश कुमार को सरकार और पार्टी दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। पार्टी के भीतर खटराग शुरू हो गया है और ये खटराग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की परेशानी का कारण बना हुआ है। एक तरफ जहां उनको बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़नी है, अपनी स्थिति को फिर से वापस लाना है और अपने प्रभाव को NDA के भीतर जमाना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना है कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ भी नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ पूरी ईमानदारी के साथ कहा जा रहा कि नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास का हिस्सा है कि उन्होंने सब कुछ भुला करके उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को पुराने जैसे पहले जैसे मान सम्मान भी दिलाया, लेकिन इसके बाद पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार को अपने ही फैसले मात्र 6 महीने के अंदर में बदलने पड़े जो कि पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के था। उन्होंने सबसे पहले RCP सिंह को कमान दिया, लेकिन RCP सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद नीतीश कुमार को तुरंत अपने इस फैसले को बदलना पड़ा और ललन सिंह के हाथ में पार्टी का कमान देना पड़ा। ललन सिंह नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं और छात्र जीवन से ही दोनों साथ चल रहे हैं, ऐसा हमने आपको पहले ही बताया है और आप जानते भी हैं। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह के संबंध खट्टे मीठे जरूर रहे हैं, लेकिन इस बीच में RCP सिंह को लेकर के जिस तरह से पार्टी के भीतर और खास करके कहा जाए तो ललन सिंह, उनके गुट और एक तरफ RCP सिंह सहित अन्य नेता जहां RCP सिंह को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं RCP सिंह ने मजबूत झंडा गाड़ दिया है। RCP सिंह पूरी तरह से पार्टी पर अपने प्रभाव को भुलाना नहीं चाहते हैं और न छोड़ना चाहते हैं, यही उनकी USP है और इसी के कारण RCP सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भरोसे के पात्र भी हैं। वहीं कहा यह जा रहा है RCP सिंह के द्वारा या जो बातें भीतरखाने से निकल करके आ रही है कि RCP सिंह लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है और जो भी एक्ट कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की सहमति है। RCP सिंह ने पटना में 2 दिन पहले प्रेस वार्ता किया था और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि 2024 की वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार के प्रभाव के बिना 2024 में कोई भी सरकार केंद्र में नहीं बनेगी, ऐसी बातें उन्होंने स्पष्ट कहा था और कहा था कि इसके लिए वो 1 साल से ऊपर अभियान चलाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अब इस बात पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और विवाद ये है कि जो 1 साल का वो अभियान चलाएंगे उस पर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों का बयान आ गया है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान को सुनते हुए जैसे ही उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें गलत क्या है, पार्टी का तो सदस्यता अभियान सालों चलते रहता है, लोगों के यहाँ मिलना जुलना हम लोग सालों करते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात होती है, किसी को अभियान के रूप में इसे चलाना है सदस्यता अभियान को और पार्टी के मजबूती के लिए, तो उसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसका परमिशन लेना पड़ेगा, उनकी स्वीकृति के बाद ही इस तरह का अभियान चलाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बॉस कौन, इसका फैसला उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है और आईना दिखा दिया है कहीं ना कहीं RCP सिंह को। अब नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब भी बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपको स्पष्ट देखने को मिला होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा माहौल चल रहा है उसमें जब ललन सिंह से इस पूरे मामले पर पूछा गया कि RCP सिंह के सदस्यता अभियान का किस तरह से आगाज हो रहा है, वो सदस्यता अभियान किस तरह चला रहे हैं, तो ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा कि मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं RCP सिंह को दूध की मक्खी की तरह निकालना चाहते हैं ललन सिंह के गुट और जो जदयू का एक हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच में RCP सिंह पूरी तरह से नीतीश कुमार के करीबी होने का जो दावा कर रहे हैं और जिस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं, स्पष्ट बता रहा है कि भले ही जो कुछ भी स्थिति हो लेकिन RCP सिंह छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह कुशवाहा के तेवर ने कहीं ना कहीं नीतीश खेमे में खलबली जरूर मचा दिया है और इस खलबली का असर क्या होगा ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम जब 10 मार्च को आएंगे उसके बाद कहा यह जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देश और बिहार दोनों जगह होने वाला है। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इन सब बातों को जानने के लिए आपको भारत लाइव के साथ जुड़ा रहना होगा और
भारत लाइव को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे छूट रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।